ओ भाई साहब देखो ट्रैफिक जाम क्या हो रहा है। मेरी तो यहाँ पर अपनी मेरी तो हालत ख़राब हो गई इस ट्रैफिक जाम में तो हालत ख़राब हो गई। अरे भाई साहब अब देखो क्या ब्रेक लग गई यहाँ पर। देखो बच्चा वहाँ से कुछ बोल रहा था, मैं नज़र पड़ी एंड पे, बट ये बंदे क्यों नहीं चल पा रहे आगे से, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है कभी कभार लोगों को। अच्छा असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, यू टर्न लिया जा रहा है तो जिसके कारण थोड़ी बहुत यहाँ पर भीड़ जमा हो रही है। तो कल क्या हम करेंगे, कल हम अपनी बाइक पे नाम लिखवाएंगे, क्योंकि और लगता है ऐसे हमने अपनी बाइक पे यूट्यूब का नाम नहीं लिखा है। आज मैं फिर से देखो डेली ऑब्जर्वेशन में आ गया, अभी थोड़ा बहुत मतलब अभी है ना स्कूल का ऑफ टाइम, जिसके कारण अभी इतना ज़्यादा भीड़ लग रहा है, रश लग रहा है थोड़ा बहुत, वरना सुबह जब मैं आया था सुबह उतना ज़्यादा रश नहीं था यहाँ से। रेड सिग्नल पर हमेशा वेट किया करो, क्योंकि देखो फिर वैसे जैसे उस स्कूटी वाले भैया को पकड़ा ना, फिर वैसे हमें भी पकड़ेंगे, इसीलिए। अरे 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 सॉरी, मेरी नज़र स्कूटी वाले भैया पे थी, पर यहाँ से हमारा सिग्नल ग्रीन भी हो गया था, क्या बात है। चलो 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 क्रॉस करना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भाई साहब क्या आ रहा है वहाँ से, देखो ये बंदे कहाँ से आ जाते हैं, कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं। स्पीड में बाइक चलाना काफ़ी ज़्यादा फन होता है, मतलब मज़ा आता है, और आराम से चलाया करो। जब आपको ऐसे खाली रोड में दौगा ना तब थोड़ा बहुत भगाया करो, वरना आराम से चलाया करो। अच्छा आगे लेडीज़ गाड़ी चला रही है, इसीलिए आराम से इनको डराया मत करो, आराम से चलाया करो। जब आपके सामने कोई लेडीज़ गाड़ी चलाती है ना, आराम से चलाया करो, क्योंकि इनका जो मतलब हार्ट होता है ना वो थोड़ा बहुत सेंसिटिव होता है, ये डर जाती है। अगर आप थोड़ा भी रेव करोगे, थोड़ा तेज़ चलोगे, या मतलब ऐसे ज़ोर से अचानक से हॉर्न करोगे, इनका मतलब दिल उतना ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं होता, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता जितना हम लड़कों का होता है, इसीलिए आराम से चलाया करो लड़कियों के सामने। और ये शायद बारामूला की गाड़ी है, क्योंकि इस पर नंबर है JK05L, और बाकी मुझे नहीं पता क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि अभी जो सन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए थोड़ा बहुत फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है हमारे क्वालिटी के साथ। मुझे कॉल आया है, हम क्या करेंगे, हम साइड में रुकेंगे, सामने कहीं पर रुकेंगे, और फिर हम नज़र देंगे कॉल कौन कर रहा था, क्योंकि मुझे मीटर पे नज़र पड़ी। तो जी मैं यही बोल रहा था ना, इसका ये फंक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वाला फंक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे मतलब देखो कितना सेफ है, चेक करना आपको कॉल कौन कर रहा है, किसी ने कॉल किया है, ये चीज़ मुझे इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो गया इस वाले फीचर से। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को ऐसा फीचर कैसा लगता है। अब तो स्कूटीज़ में भी ऐसा फीचर आ रहा है, मतलब काफ़ी सारे जो व्हीकल्स हैं वो अब एडवांस्ड हो चुके हैं, अब काफ़ी सारे मतलब जो टू व्हीलर्स हैं उनमें आ जाते हैं। देखो ऐसे एम्बुलेंस इसी को आगे जाने देते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस से कभी भी साइड मत लिया करो, इनको ही आगे जाने दिया करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एमरजेंसी पेशेंट होता है। एक अच्छे सिटीज़न बनो, इससे हम साइड भी नहीं लेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इसमें कोई पेशेंट जा रहा है, मतलब हर कोई दुआ मांगता है इसमें, वो चाहे एक्सीडेंट का मामला हो या और कुछ मामला हो, बहुत सारे मतलब रीजंस होते हैं एम्बुलेंस में जाने के, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर NS वाला क्यों हमारे साथ साथ चल रहा है, चलो अच्छा है, बट हेलमेट अगर पहनते ना वो और भी ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहता। तो काफ़ी ज़्यादा मैं क्या बोलता हूँ, अरे भाई साहब मैं तो डर गया। चलो जी शट अप एंड राइड। ओ भाई साहब अब तो अपन बात ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे लिखा है शट अप एंड राइड, क्या बात है, सही है। लेकिन इसे मैग्नेटिक जो नंबर प्लेट है वो मैग्नेटिक लगा हुआ था। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर देखो सिग्नल मिल गया। चलो भाई 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 साहब, आंटी चल रही है, आंटी से नो कॉम्प्रोमाइज़, अगर हमने बात की ना। चलो थैंक यू आंटी, आपने जगह छोड़ा, पीछे से अंकल ने हॉर्न की, हम तो आंटी से डर गए, हमने हॉर्न ही नहीं की, लेकिन अंकल इतने खतरनाक है ना, अंकल रुके और हॉर्न की इनको। और अभी देखेंगे हमारा सिग्नल कब खुलेगा, सिग्नल खुलने के बाद। और देखो बाइक में आज फ्यूल बिल्कुल कम है, 2 सेल से मैंने कभी मतलब 3 सेल से नीचे मैंने रखा ही नहीं है, मतलब 3 सेल से नीचे। चलो इसमें भी फ्यूल अप करना है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा बहुत नाम भी मैं सोच रहा था कहाँ पर लिखूँ, वो आपको तभी उसी वीडियो में बताएंगे कहाँ कहाँ पर हम लिखवा रहे हैं, पता नहीं हमारा सिग्नल कब ग्रीन हो जाएगा। चलो सही है, तो बाकी यहीं पर अपन की वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो को ज़्यादा बड़ा करना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं किया तो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से और किसी नई सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
अरे सिग्नल हो गया, चलो चलो भाई साहब, अरे भाई साहब तेजस्वी लोग दिखाता हूँ, सिग्नल हो गया, सारे निकल रहे हैं, ये भाई साहब देखो फ़ोन कैसे इसने रखा है। ओ भाई साहब वेल डन, अब ऐसे ही काम किया करो।